हम लोग आज खड़े हैं हमारे डिमांड लेते हुए गवर्नमेंट से, हम ये चाहते हैं स्पेशली यूपी गवर्नमेंट से, हम ये चाहते हैं कि वो रिजाइन करें, क्योंकि जब भी यूपी गवर्नमेंट आई है, जब से योगी हुकूमत आया है, हिंदुस्तान के पूरे शहरों में से उत्तर प्रदेश एक अनसेफ शहर बन गया है, जहाँ लड़कियों की ना देखभाल होती है, ना सिर्फ लड़कियों की देखभाल, हर जगह हर दौर में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल टाइप हो, मुसलमान हो, उन हर लोगों को रोक दिया गया है, हर चीज को रोक दिया गया है। जब मोदी हुकूमत आई थी, हमें वादा क्या था कि बेटी बचाओ बेटी रैली ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಶವವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆಯಾ? ಯುಪಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ಶಾಸಕರು ಇರುವಂತಹ, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸದರು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಥುರಾ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುಎಪಿಎ ಅಂತ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಪಿಎ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಎಪಿಎ ಹಾಕಬೇಕು. टोल में उनका अरेस्ट हुआ और एक दिन के बाद उनके ऊपर पहला दिन उनका एक वेरिएबल सेक्शन डाला था, उसके बाद एक यूएपीए सेक्शन डाला. उसने बोल रहा है एक रायट्स करने के लिए, एक दंगा करने के लिए फंडिंग कर रहा है बोल के एक सेक्शन डाला है, लेकिन वैसा एक सिचुएशन नहीं था. और दोनों भी गया था एक कार में, एक उसके एक उनके साथ एक जर्नलिस्ट भी था, लेकिन एक यूपी गवर्नमेंट ऐसा एक सेक्शन डाल रहा है और उसके साथ साथ सेडिशन लॉ भी सेक्शन भी डाल रहा है. इसमें हमको मालूम पड़ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ कौन आवाज़ उठा रहा है और स्पेशली सीए प्रोटेस्ट में एक कौन जुड़ा है हुआ था उनका ऊपर एक पर्पज भी नहीं, स्पेशली मुस्लिम्स एंड दलित्स का ऊपर एक यूएपीए को यूज़ कर रहा है, एक पॉलिटिकल एक टूल बनकर यूज़ कर रहा है, उसका खिलाफ हमें आवाज़ उठा रहा है. और उसके साथ साथ हमारा डिमांड यही है, हमारा नेशनल लीडर्स का ऊपर क्या क्या सेक्शन डाला था उनको निकालना, और उसके साथ साथ मनीषा वाल्मीकि का क्या हो गया, उनका एक न्याय भी मिलना है, और क्या अक्यूज लोग हैं उनका छुपाने के लिए योगी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है वो भी स्टॉप करना है. उसके साथ साथ हमारा योगी आदित्यनाथ का रिजिग्नेशन को भी हमें डिमांड कर रहा है, क्योंकि योगी इज नॉट फिट टू बी ए सीएम ऑफ एनी स्टेट, इज नॉट योगी ऑल्सो, इज नॉट प्रैक्टिसिंग योगी धर्मा, इज नॉट प्रैक्टिसिंग योगी प्रिंसिपल. उसके लिए टीके वाले नहीं है, हमारा कैंपस फ्रेंड स्टूडेंट विंग है, हमारा दोनों लीडर्स गया था, उसके साथ साथ एक दिल्ली बेस्ड रिपोर्टर, एक वेबसाइट रिपोर्टर भी था, उसके साथ एक कार ड्राइवर था, और 4 लोग हैं. इसमें हमारा लीडर्स का क्या हो डाला है उसके ऊपर, उसके खिलाफ हमारा हायर कैंपस स्टेट प्रेसिडेंट. थैंक यू.